रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे हिना, कहाँ है तू यार? मुझे लेट हो रहा है। अरे आज ही बर्थडे पार्टी में जाना है मुझे, कल नहीं। अरे बाबा, आ रही हूँ, इतना हाइपर मत होना, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड हिना आ जाती है और कहती है, यार तुझे पता है ना कि शुभम का बर्थडे मेरे लिए कितना स्पेशल है, फिर भी तू ना नौटंकी करती रहती है। अब जल्दी से चल मेरे साथ और जींस दिला के ला मुझे। ओ माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू नूपुर? बर्थडे शुभम का है, उसके लिए कोई शॉपिंग करोगी या नहीं, या अपनी ही जींस खरीदोगी? पागल है क्या यार तू? मुझे उसका भी ख्याल है, बट तू जानती है ना कि जींस को लेके मेरा क्रेज कैसा है। इतना कहकर दोनों मॉल पहुंच जाते हैं, जहां जींस पर 70% डिस्काउंट चल रहा होता है, और दोनों वहां से एक बार में 5-6 जींस खरीद लेते हैं। दोनों कुछ देर बाद में एक मार्केट से गुजर रहे होते हैं कि तभी नूपुर की नजर 95% डिस्काउंट वाली रंग बिरंगी जींस पर पड़ती है, और वो तुरंत वहां जाकर बोलती है, भैया सच में 95% की सेल है। आइए आइए, अरे 95% की सेल है, जितना लूटना है लूट लो भाई। अरे नीली पीली काली हरी, अरे कोई मर्जी जींस ले जाओ, अरे 95% सेल है, आइए आइए। वाह हिना, देख ना यार, वैसे तो मैं 2-4 जींस ले चुकी हूँ, पर ये भी मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ से भी ले ही लेती हूँ। देख यार, वैसे हम ले चुके हैं और तेरा ज्यादा ही मन है तो ले ले एक दो। ओके भैया, तीनों पैक कर दो, और हाँ वो रफ वाली भी कर देना, वो वाली बड़ी मस्त लग रही है। नूपुर वहाँ से भी अपने और शुभम के लिए जींस ले लेती है, और शाम को शुभम के लिए एक क्लब में बर्थडे पार्टी का सरप्राइज रखती है, जहाँ नूपुर अपनी 95% वाली सेल की जींस को पहन कर आती है, और शुभम के दोस्त उसे झूठ बोलकर उसकी आईज पर पट्टी बांधकर वहाँ लेकर आते हैं, और वो जैसे ही एंट्री करता है पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट होते हैं। इसके बाद में शुभम की आंखों से सब दोस्त पट्टी हटा देते हैं, जिसके हटते ही सॉन्ग चलने लगता है, और उसके सभी फ्रेंड्स उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं कि तभी नूपुर बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शुभम, हैप्पी बर्थडे टू यू। नूपुर, तुमने मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज रखा? ओए, बातें ही करोगे या शुभम के केक का मर्डर भी करोगे? जिसके बाद शुभम नूपुर के साथ मिलकर केक कट करता है और उसे खिलाता है। सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ में डांस करते हैं, जिसके बाद में सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बाद में नूपुर अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी अलमारी को देखकर उसे ये लगता है कि उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े ही नहीं है, और वो खुद से कहती है, आज क्या पहनूं, कॉलेज जाना है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ओ यस, उस दिन इतनी सारी जींस ली थी, वही पहनूंगी। नूपुर जैसे ही कबर्ड में से अपनी जींस को निकालती है कि तभी उसे सामने रखा हुआ शुभम का गिफ्ट दिखाई देता है, जो कि उसने उसे बर्थडे पर नहीं दिया था, और वो अपने आप से कहती है, ओ नो, मैं तो भूल ही गई कि शुभम को भी उसका बर्थडे गिफ्ट देना है। चलो कोई नहीं, कल तो हम दोनों बाहर जाने ही वाले हैं, तभी दे दूंगी। अपनी जींस को पहनकर वो कॉलेज जा रही होती है कि तभी अचानक रास्ते में तेज की बारिश शुरू हो जाती है और उसकी जींस का सारा रंग निकल जाता है। कॉलेज पहुंचते ही उसके दोस्त उसे ऐसे हाल में देख लेते हैं, और जींस के फेड होने के कारण वो उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोलते हैं, ओहो नूपुर, ये कैसे जींस ले आई है यार, इसका तो सारा कलर ही उड़ गया है, अभी 2 दिन पहले ही तो शॉपिंग की थी तूने हिना के साथ। सो व्हाट, हो गई तो हो गई। तू भी ना नूपुर, पता नहीं कहां कहां से शॉपिंग कर लेती है। मॉल से ही लेकर आई हूँ, और वैसे भी कभी कभी मॉल की चीजें भी ना बेकार निकल जाती है, समझे तुम। ये बोलकर उसके दोस्त चले जाते हैं, लेकिन नूपुर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही अगले दिन नूपुर शुभम के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए एक रोमांटिक जगह जाती है, जहां वो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। दोनों साथ में लंच करते हुए खूब इंजॉय करते हैं। वक्त बीतता है और दोनों अपने घर वालों से शादी की बात करते हैं। घर वाले राजी होकर अगले महीने ही दोनों की शादी करवा देते हैं। धीरे धीरे नूपुर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभालने लगती है।
ऐसे ही एक दिन नूपुर अपने सास सरोज से कहती है, माँ जी क्या बनाऊँ खाने में, आप भी बोर हो गई और मैं भी बोर हो गई हूँ। हाँ बहू, मैं तो बोर हो चुकी हूँ, आज कुछ अच्छा सा खाना बना दे। अच्छा सा खाना बनाने के लिए माँ जी हमें शॉपिंग पर जाना होगा। इतना बोलकर दोनों सास बहू निकल जाती हैं और डेयरी पर जाकर पनीर, चाप, क्रीम खरीदते हैं, जिसके बाद में दोनों मार्केट से सामान लेने चली जाती हैं, जहां वो पर्दे और चादर खरीदती हैं। थोड़ी दूर जाकर नूपुर की नज़र एक जीन्स की शॉप पर पड़ती है, जो कि 80% सेल पर बिक रही होती है, वो भी बाय वन गेट वन फ्री। नूपुर अपने सास को वहां लेके जाती है और कहती है, माँ जी जीन्स बहुत सस्ती मिल रही है, आप कहे तो मैं ले लूँ, एक के साथ एक फ्री है। अरे बहू पागल वागल हो गई है क्या, गली वाले क्या कहेंगे, नहीं तू जींस नहीं पहनेगी। माँ जी प्लीज 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 मुझे लेने दो ना, बस 50 रुपए की मिल रही है, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे तू घर चल, घर जाके खाने की तैयारी करनी है, समझी, नहीं लेनी कोई जींस विंस। सरोज के लाख मना करने पर भी नूपुर उस जींस वाले से काफी तादाद में जींस को खरीद लेती है और घर जाने के लिए उसे एक ऑटो करना पड़ता है। घर आकर वो सारी जींस रखती है और हर जगह जींस ही जींस दिखाई देती है, और ये देखकर सरोज बोलती है, हे महारा राम जी, एक लंगड़ी एक काणी, मैं अगली सयाणी, अरे किस किस ने संभालूं, देख बहू कितना सारा ढेर लगा दिया, अरे इतनी सारी जींस तू पहनेगी क्या, पैसा बर्बाद कर दिया सारा। माँ जी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम जींस की सेल लगा दे, प्राइस बढ़ाकर बेच देंगे। आइडिया तो अच्छा है, पूरा दिन तो खराब ही कर दिया तूने इस जींस के पीछे, और वैसे शुभम आने वाला है, खाने की तैयारी कर ले। नूपुर जल्दी से खाने की तैयारी में लग जाती है। घड़ी में 7 बज जाते हैं। शुभम भी ऑफिस से वापस आता है और आते ही खाने की खुशबू सूंघकर बोलता है, अरे वाह इतनी अच्छी खाने की खुशबू, देखता हूँ क्या क्या बनाए। ओ चाप की सब्जी, शाही पनीर, नान, क्या बात है नूपुर इतना टेस्टी खाना बनाया है तुमने। तभी नूपुर और सरोज भी आ जाते हैं और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद में सास बहू अपनी जींस की शॉप खोलने के बारे में उसको बताते हैं। उसकी बातों को सुनकर शुभम एग्री हो जाता है। कुछ समय बाद में ही दोनों सास बहू मिलकर जींस की एक छोटी सी शॉप डाल लेते हैं और उन्हें 50% सेल पर बेचते हैं। काफी लड़कियां आकर नूपुर से जींस खरीदती है। तभी उसकी शॉप पर 2 लड़कियां आती है और वो लड़कियां एक ही टाइम पर एक ही जींस को उठाकर बोलती है, ओ हेलो पहले मैंने उठाया इसे। एक्सक्यूज मी, पहले मैंने देखा है और मैंने ही उठाया है। मुझे दो ये, मैं लूंगी इसे। जी नहीं, पहले मैंने लिया है इसे। अरे आप दोनों लड़ना बंद कीजिए, ये एक ही साइज है और सॉरी ये लास्ट पीस ही है, आप दोनों में से कोई एक ही ले सकता है इसे। अरे बेटा ये ट्राई कर, स्ट्रेचेबल जींस है, इसे कोई भी पहन सकता है। सरोज की बातों को सुनकर वो लड़की दूसरी जींस ले जाती है। कुछ दिन बाद ही उसकी शॉप पर वो लड़कियां वापस आती है और एक लड़की हाथ के रैशेस दिखाते हुए उसे सुनाती है, अरे ये कैसी जींस दिया आपने, इसे पहनकर मेरे पूरी बॉडी में रैशेस हो गए हैं, और मुझे दूसरी जींस दो, ये डिफेक्टेड निकली, आपकी सारी जींस एक जैसी हैं, अब बताइए मैं क्या करूं। एक एक करके नूपुर को सारी लड़कियां सुनाती है कि एक तो उसने इतनी महंगी जींस बेची और ऊपर से सारी डिफेक्टिव थी। ये सुनकर घर आकर नूपुर बहुत रोती है और बहू को ऐसे देखकर सरोज उससे बोलती है, देख ले बहू तुझे समझाया था ना, लेकिन तू तो मानी ही नहीं, तेरे पैसे भी गए और तेरी इज्जत भी, और कितनी लड़कियों से तुझे सुनना पड़ा, और अगर उनमें से वो रैशेस वाली लड़की ने अगर पुलिस कंप्लेन कर देती तो तेरा क्या होता, इसीलिए सड़क पर से इतने सस्ते सस्ते माल नहीं लेना चाहिए, अगर तुझे सेल करने का इतना ही शौक है ना तो किसी अच्छी जगह से खरीदारी कर और जींस सेल कर। अजी मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं जींस की सेल के चक्कर में कुछ ज्यादा ही लालची हो गई थी। देख बहू अगर तुझे जींस सेल करनी ही है तो अच्छी क्वालिटी का लेकर आ और सेल कर। वक्त बीतता है, सरोज के कहने पर नूपुर इस बार अच्छी क्वालिटी की जींस लाकर उसकी सेल लगाती है और हर सैटरडे संडे सरोज भी आकर शॉप पर नूपुर की मदद करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।